हेलो स्टूडेंट्स, इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन और ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस। सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको ये बताया था कि फ्रिक्शन होता क्या है और इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है या कोई भी सरफेस होती है तो उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है Fs लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो इतना होता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब कोई बॉडी इज़ इन द टेंडेंसी ऑफ मूविंग ओवर अनदर बॉडी और ए सरफेस। मतलब कोई, सपोज ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम मान लो इसको एफ फोर्स लगा के लेके जा रहे हैं, मतलब एफ एक्सटर्नल फोर्स है और इस पर पीछे की डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये चलेगा नहीं तो, मतलब इफ इट इज नॉट इन द मोशन बट हैज ए टेंडेंसी टू मूव ओवर द सरफेस, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर, और आर की वैल्यू क्या होती है? एम जी और आर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू एम जी। तो एफ एस का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी, या हम ये भी लिख सकते हैं एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर। एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर। ओके, तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स इस फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाता है तो क्या होता है? बॉडी मोशन में आ जाती है और उस केस में एफ के होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक है या लिमिटिंग है, और इसको हम लिमिटिंग भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस आर। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑलराइट, और अगर बॉडी मोशन में होती है तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो स्टूडेंट, हमने ये जान लिया कि फ्रिक्शन अपोजिस द रिलेटिव मोशन और इम्पेंडिंग मोशन। यही मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई रफ सरफेस है, रफ सरफेस का मतलब होता है कि फ्रिक्शन इज देयर। ओके, और फ्रिक्शन कब लगता है? जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन कम्स इनटू इफेक्ट। एज दिस एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेस, फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस टू ए मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है और इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है जीरो से लेके म्यू एस आर तक। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और उसके बाद जब हमारा ये एक्सटर्नल फोर्स इसको ओवरकम कर लेता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी कम्स इनटू द मोशन, और उस केस में हम एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर लेते हैं, और फिर इक्वेशन क्या बनती है? एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल हमारी बन जाती है। यहाँ पर एफ के हमारा आ जाएगा जब बॉडी एक्सेलरेशन में होगी। तो वैसे कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब म्यू के इज लेस देन म्यू एस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको आगे अपना एक्सटेंड करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है फ्रिक्शन अपोजिस द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन उधर होती है जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट होती है। मतलब अगर हमारी बॉडी आगे जाने की टेंडेंसी में तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज यू आर ट्रेवलिंग इन ए बस, ठीक है, और बस में आप क्या है, खड़े हुए हैं, बस की फ्लोर पे आप खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो बस इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके पैरों के बीच में और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो किधर होगा? मतलब बस आगे जा रही है, तो बस के आगे जाने की वजह से आपकी टेंडेंसी पीछे जाने की है। बात को ध्यान से समझना, बस आगे एक्सेलरेशन से जा रही है और आपके जो पैर और जो फ्लोर है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है
वो किधर होगा, वो टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट होगा। आपने देखा होगा बस अगर सडनली चल देती है तो वी एक्सपीरियंस ए जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगर बस एकदम से आगे चलती है तो हमें पीछे झटका लगता है, तो हमें पीछे झटका लगता है वो रिएक्शन फोर्स हो गया या इनर्शिया की वजह से हम उसको बोल सकते हैं। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी बस के चलने से टेंडेंसी मोशन होने की पीछे की तरफ है, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस के लिए हम देखेंगे, ये हमारा कोई इंक्लाइंड सरफेस है विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ओके। इस सरफेस के ऊपर हमने एक एम मास का ब्लॉक रख दिया, ऑलराइट। तो अब देखो इस पर कितने फोर्स लग रहे होंगे, सभी बॉडी का वेट उसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये तो एम जी हो गया, ओके। अब मैं इसको रिजोल्व कर लूंगा, अक्रॉस द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, देखो ये थीटा और ये मेरा 90 माइनस थीटा, सॉरी ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90, तो ये थीटा हो गया ज्योमेट्री से। अब मैंने आपको एक वेक्टर रिजोल्यूशन बताया था, तो एम जी अगर नीचे है तो इधर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा अलोंग द लाइन, जो लाइन, जो फोर्स वाली लाइन एंगल बनाती है उसके अलोंग एम जी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर एम जी साइन थीटा। तो इस एम जी साइन थीटा की वजह से ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, मतलब अगर हमारी सरफेस स्मूथ है, तो ये एम जी साइन थीटा फोर्स नीचे लगेगा और डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ओके। मतलब स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब चूंकि ये सरफेस रफ है तो जब इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इसको लगेगा कि ये पीछे जा रही है तो फ्रिक्शन अप द प्लेन लगेगा, ओके। तो अब देखो अगर ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, नेट एक्सेलरेशन से ए से नीचे आ रहा है, तो इस पर अलोंग द प्लेन कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स, टू फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द प्लेन, एम जी साइन थीटा डाउन द प्लेन और एफ एस अप द प्लेन, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो अब कौन बड़ा, मतलब ये नीचे आ रहा है तो एम जी साइन थीटा और एफ एस में कौन बड़ा, एम जी साइन थीटा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्सेस एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ है, ये तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है, ओके। सो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस की वैल्यू कितनी होती है, देखो एफ एस मैंने आपको बताया मैक्सिमम वैल्यू हम स्टूडेंट्स लेके चलेंगे, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर और आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन किधर हो जाएगी, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आपको, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ओके। तो इसके परपेंडिकुलर इधर हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो इसमें ये आर और एम जी कॉस थीटा क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ऑलराइट। सो एफ एस एस ये हो गया म्यू एस आर एम जी कॉस थीटा, अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, एम दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू एस जी कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर कर लिया, अब हमने देखो क्या किया, हमने रफ सरफेस पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते जी साइन थीटा माइनस म्यू एस जी कॉस थीटा। अब आपके पास तीन एक्सेलरेशन आ गए, अब देखो तीन सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, कौन कौन सी तीन सिचुएशन देता हूँ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ओके। इफ ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली देन वॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इसका एक्सेलरेशन तो जी होगा, ए इज इक्वल टू जी। इफ ए बॉडी इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन देन इट्स एक्सेलरेशन इज स्मूथ सरफेस पर जी साइन थीटा। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस जी साइन थीटा माइनस म्यू एस जी कॉस थीटा। सो दीज थ्री एक्सेलरेशन यू नीड टू रिमेंबर, आपको ये तीन एक्सेलरेशन तो अभी याद ही रख लेने हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन जी होता है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है।
अगर कोई बॉडी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, और अगर कोई बॉडी रफ इंक्लाइंड सरफेस पर नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू एस जी कॉस थीटा। सो इस तरह से हम इस एनालॉजी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारा फ्रिक्शन का एक एप्लीकेशन हो गया। अब जो मेन जो एप्लीकेशन है फ्रिक्शन का, दैट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या करने जा रहे हैं, फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे कि भाई फ्रिक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली फोर्स के अंडर में होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री केसेस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव करती है। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा सर्कल में उसको चक्कर काटना पड़े, मतलब अगर सर्कल का थोड़ा सा भी पोर्शन होगा तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो आप ये देखो, जैसे मान लो आप कोई सर्कुलर टर्न लेते हो रोड पे, तो सर्कुलर टर्न लेने के लिए आपको कौन सा फोर्स चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग जगह से मिलता है। जैसे मान लो आप स्ट्रिंग में स्टोन बांध के, धागे में पत्थर बांध के उसको घुमा रहे हैं, ओके, आप उसको फिंगर के अराउंड घुमा रहे हैं, तो घुमा रहे हैं तो आपको जो स्टोन है उसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, तो अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ऐसे ही अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को यूनिक फोर्स नहीं होता, कोई भी फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम तीन केस डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कितना होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन mv² / r, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सर्कुलर मोशन में फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखें, क्योंकि सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हो ही नहीं सकता। अब आपका क्या काम है, ओके, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपका क्या काम है, जब भी आप अपने चारों तरफ अपनी डेली लाइफ में जब भी आप किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन देखें, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में, जैसे आप सड़क पर सर्कुलर टर्न लेते हैं, आप साइकिल चलाते हैं और सड़क पर जब मुड़ना होता है तो आप सर्कुलर टर्न लेके मुड़ते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले साइकिल से उतर गए, साइकिल को घुमाया और फिर चल दिए सीधे, ऐसा तो नहीं है। आप साइकिल को मोड़ने के लिए सर्कुलर पाथ में टर्न लेते हैं, ओके, या कार को मोड़ने के लिए सर्कुलर पाथ में टर्न लेते हैं। तो आपका ये काम होगा कि जहां पर भी आप सर्कुलर मोशन अपनी लाइफ में देखते हैं, आप ये जानने की कोशिश करो, ये पता लगाने की कोशिश करो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv² / r। मतलब क्या हो गया, अगर m मास की कोई बॉडी वी स्पीड से सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r है मूव करती है, तो उसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिएगा वो mv² / r होगा। तो इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम तीन अलग अलग केसेस में डिस्कस करेंगे। मेरा फर्स्ट केस होगा मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, लेवल रोड का मतलब है कि प्लेन रोड है हमारा, ये मेरा कोई सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, और ये प्लेन सरफेस हो गई रोड की, रोड की प्लेन सरफेस हो गई, ओके, दिस इज ए रोड, हॉरिजॉन्टल लेवल रोड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। सो ये कोई हमारा मान लो कोई बॉडी है
जिसका मास m है और इसे हमें सर्कुलर पाथ में घुमाना है। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इधर इसको लगेगा, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की ये खास बात होती है कि वो हमेशा पाथ की रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ लगता है और वो बॉडी के ऊपर लगता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिल रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है इसको रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन से। मतलब देखो क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना, जब कार सर्कुलर टर्न लेती है तो कार की टेंडेंसी कहाँ जाने की होती है, बाहर जाने की। मान लो आप जैसे कार में ट्रेवल कर रहे हो, साइड वाली मतलब ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे हुए हो, तो ड्राइवर अगर इधर सर्कुलर टर्न लेगा तो क्या आप बता सकते हो आप पर फोर्स किधर, आपकी जाने की टेंडेंसी किधर होगी, बाहर निकलने की। कई बार आप ये देखना कि आप कार के डैशबोर्ड पर अपना मोबाइल फ़ोन रख दो या कुछ भी चीज़ रख दो, तो जब कार इधर टर्न लेगी तो मोबाइल फ़ोन बाहर की तरफ जाएगा। मतलब सर्कुलर पाथ में बॉडी की टेंडेंसी बाहर निकलने की होती है। बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, बाहर निकलने की। और मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो भी इधर ही होगी, वो भी इधर ही होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए, जब कार सर्कुलर टर्न में मुड़ती है, सर्कुलर पाथ में मुड़ती है, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय फ्रिक्शन, गिवन बाय फ्रिक्शन। तो अब मेरा फ्रिक्शन इतना होना चाहिए, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कम से कम तो चाहिए, अगर उससे कम रह जाएगा तो कार टर्न ही नहीं कर पाएगी। तो मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कम से कम उतना हो, सॉरी जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन है रोड और टायर के बीच में, वो कम से कम इतना हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम चला सके। सो दिस फ्रिक्शन एफ एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, और एफ एस की वैल्यू कितनी होती है, देखो ये एम जी नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, सो आर इज इक्वल टू एम जी, आर इज इक्वल टू एम जी, और एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो म्यू एस एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल हो गया, सो यहाँ पर मेरा आ गया अंडर रूट म्यू एस आर जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, और जो वी है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब जो मैक्सिमम स्पीड है वो अंडर रूट म्यू एस आर जी हो सकती है। मतलब अगर किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में टर्न लेना है, मुड़ना है, तो उसकी जो ऑप्टिमम मैक्सिमम उसको हम इतनी स्पीड से चला सकते हैं। अगर हम इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो कम रह जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, कार ओवरटर्न कर जाएगी, पलट जाएगी। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्पीड की वैल्यू ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब अगर आप कार को सर्कल में एकदम से तेजी से मोड़ते हो तो उसके पलटने का डर रहता है, तो पलटेगी किधर। आप ये देखो, अगर सर्कुलर टर्न हम ज़्यादा स्पीड से लगाएं तो बाहर की तरफ पलट जाती है, आउटर साइड में। तो क्यों पलट जाती है, क्योंकि घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता, तो एक स्पीड की लिमिट होती है। और आपने ये देखा भी होगा कि जब भी हम सर्कुलर टर्न लेते हैं तो अपनी जो व्हीकल है उसकी स्पीड को कम कर लेते हैं, उसका रीजन यही है कि हमें जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे, फ्रिक्शन हमारा कम ना रह जाए। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हम कम से कम लेने की कोशिश करते हैं। तो ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आ गया। तो हमने अभी ये डिस्कस किया कि किसी कार को सर्कुलर टर्न में कितनी मैक्सिमम स्पीड से चला सकते हैं, अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये तो हमारा स्टूडेंट्स एक केस हो गया। अब कई बार क्या होता है, अगर मान लो हमें स्पीड से कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है, तो क्या होता है, हम व्हीकल को क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, मतलब बेंडिंग या रोड को ढलान दे देते हैं। देखो क्या होता है, अगर हमारा प्लेन रोड है, लेवल रोड है, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है,
फ्रिक्शन से। लेकिन अगर मान लो स्पीड और ज़्यादा हमें बढ़ानी है हाईवे पर, जैसे होता है तो हाईवे पर जो सर्कुलर टर्न होते हैं वो जो लोअर साइड होती है ना रोड की वो कुछ नीची होती है, और जो जो इनर साइड होती है वो नीची होती है और आउटर साइड को ऊपर उठा देते हैं। तो मतलब क्या होता है कि घूमने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स हमें नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट से मिलता है। मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ में बॉडी का स्पीड बढ़ाने के लिए जो आउटर एज है रोड का उसको उठा देते हैं इनर एज के कंपैरिजन में। इस फिनोमिना को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या बोलते हैं इसको? बैंकिंग ऑफ रोड्स। ओके, सो बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स किस लिए किया जाता है? बैंकिंग ऑफ रोड्स किया जाता है टू इंक्रीज स्पीड, टू इंक्रीज स्पीड। अब देखो कैसे किया जाता है। मान लो ये मेरा बैंक्ड रोड हो गया। ओके, मतलब रोड ये बैंक्ड रोड हो गया, जो ये इनर है और ये आउटर है। मतलब आउटर को इनर के कंपैरिजन में मैंने क्या किया, थोड़ा सा उठा दिया, मतलब थीटा एंगल से उसको इंक्लाइन कर दिया। मतलब रोड इज बेंड का मतलब है कि उसको उठा दिया, बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, अब यहाँ पर कोई व्हीकल है हमारा, तो अब देखो क्या होगा, इसका मास m है और इस पर mg नीचे लगेगा और इधर लगेगा हमारा mg cos थीटा, इधर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और ये डाउन द प्लेन क्या लगेगा, mg sin थीटा। अब देखो इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं रिजॉल्व करता हूँ, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये हो गया मेरा r cos थीटा और ये हो गया r sin थीटा। ठीक है, अब देखो अब इसकी टेंडेंसी अप द प्लेन जाने की, तो फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन इधर हो जाएगा fs, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा मेरा fs cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर एक और हो जाएगा मेरा fs sin थीटा। तो अब मेरा जो सेंटर है, जो इस बैंक रोड का, ध्यान से देखें ये रोड बैंक्ड है, जो सड़क का जो आउटर है जो उसको ऊपर उठा दिया थीटा एंगल से। ओके, जब थीटा एंगल से उसको ऊपर उठा दिया तो मेरा जो व्हीकल था वो इंक्लाइंड हो गया, बैंक्ड हो गया, उठ गया थोड़ा सा। तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर लगने की वजह से एक आर कॉस थीटा ऊपर और आर साइन थीटा इधर, और फ्रिक्शन डाउन द प्लेन, ये ध्यान रखना फ्रिक्शन डाउन द प्लेन क्यों होगा, फ्रिक्शन डाउन द प्लेन इसलिए होगा क्योंकि कार की टेंडेंसी बाहर निकलने की होती है, तो फ्रिक्शन डाउन द प्लेन। इसको मैंने रिजोल्व किया एफ एस कॉस थीटा और इसको एफ एस साइन थीटा। तो अब मेरे ये जो दोनों फोर्स हैं ये सेंटर की तरफ हैं, तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा एफ एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मतलब इसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर से ज़्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए कम से कम। ओके, अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं हम, तो ये क्या हो गए हमारे एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ऑल राइट, सॉरी ये एम जी आएगा, ठीक है ये एम जी है ना नीचे, एम जी और एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब क्या करना है, आर की वैल्यू में यहाँ पर ये हो गया मेरा आर साइन थीटा प्लस एफ एस। ओके, अब मैं एफ एस को क्या लिख देता हूँ, एफ एस को लिख देता हूँ म्यू एस आर, एफ एस को क्या लिख देता हूँ, और ये एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी हो गया आर कॉस थीटा। इस इक्वेशन में एफ एस को लिखा म्यू एस आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पर भी स्पीड निकालनी है। मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने स्पीड निकाला ना कि कितनी स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर सकते हैं, तो स्पीड हमें वी कैलकुलेट करनी है इन दोनों इक्वेशन से। ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया। एफ एस की वैल्यू मैंने म्यू एस आर, एफ एस का वैल्यू क्या लिखा मैंने, नॉर्मल रिएक्शन म्यू एस आर, ठीक है, और ये हो गया अब एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर साइन थीटा। ओके, प्लस एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके,
तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने इधर लेके चला गया, मतलब इसको इधर ले आएंगे, माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ओके। ये हो जाएगा हमारा, मतलब ऐसे कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा मेरा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैं इसको एम जी को इधर ही रहने देते हैं, आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करने से एम कैंसिल हो गया, आर को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा जो आएगा यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर नीचे साइन कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू एस, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इन टू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, तो वी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑप्टिमम स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन ए बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड पर कार के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करो, जो कार की मैक्सिमम स्पीड हो सकती है बैंक्ड रोड के ऊपर, कैसी रोड के ऊपर, बैंक्ड रोड के ऊपर, अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। सो ये हमारा सेकेंड केस हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो कि बैंकिंग ऑफ रोड का केस हमारा है। और पिछले केस में हमने डिस्कस किया, अब दो केस हम डिस्कस कर चुके, एक तो लेवल रोड पर हम कार का मोशन, उसमें स्पीड कितना होना चाहिए, अंडर रूट म्यू आर जी। एक बैंक रोड पर कार का मोशन, उसमें कितना होना चाहिए, अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस, देखो वन में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये चीज जो है जब इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये ज्यादा आएगी, तो स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। स्पीड क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमारा जो आर नॉर्मल रिएक्शन था उसका एक कंपोनेंट हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करने लगा, तो एक तो हमारी फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंस कम हो गई, फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंस कम होने से हमें आर साइन थीटा से सेंट्रिपिटल फोर्स मिल गया और हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई। तो एक और इसका लास्ट केस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, दैट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, दैट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। सो देर आर थ्री केसेज वी डिस्कस यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यूज करके हम तीन तरह के केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्कस करते हैं, और जो थर्ड केस हमारा है दैट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। देखो साइक्लिस्ट अपने आप को बेंड कर लेता है, या मोटरसाइकिलिस्ट है, ठीक है, जो टू व्हीलर है, देखो अगर कार है तो कार को तो एक स्पीड को कम करना पड़ेगा लेवल रोड पे, लेकिन जो साइक्लिस्ट है या मोटरसाइकिलिस्ट है वो अपने आप को बेंड करके तेज स्पीड से निकल सकता है, क्योंकि बेंड करने से सेंट्रिपिटल फोर्स हमें नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट से मिलता है। देखो कैसे मिलता है, ये मान लो हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ में ये हमारा साइक्लिस्ट है, ठीक है, ये साइकिल का टायर हो गया, और ये यहाँ पर साइक्लिस्ट बैठा हुआ है, सी साइक्लिस्ट का सारा वेट यहाँ पर लग रहा है। तो क्या होता है, जब सर्कुलर पाथ में साइक्लिस्ट बेंड करता है तो वो वर्टिकल डायरेक्शन से, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर लगती है हमारी नॉर्मल रिएक्शन आर, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। तो आप बता सकते हैं कि सेंटर की तरफ कौन है, इस सर्कल का सेंटर इधर कहीं होगा, तो इधर कहीं होगा, तो ये जो आर साइन थीटा है ये सेंटर की तरफ है, मतलब आर साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। आर साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, और आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया
एम जी एक्चुअल में ये फ्रिक्शन ही है आर साइन थीटा जो सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के तो हम चल ही नहीं सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन तो हमें सपोर्ट करता है टर्न करने में, मूव करने में, वॉक करने में। ओके, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, आर से आर कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, सो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो स्टूडेंट्स, जो साइक्लिस्ट है वो कितने एंगल पर बेंड करे कि सेफली निकल जाए, 10 थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी स्पीड से आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में अगर कोई साइक्लिस्ट बेंड करता है तो एंगल ऑफ बेंडिंग 10 थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। सो इस तरह से हमने तीनों केस आज डिस्कस कर लिए। आज मैंने आपको फ्रिक्शन का कुछ रिविजन कराया कि फ्रिक्शन कितना यूजफुल है, फ्रिक्शन को लेकर हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर सकते हैं, और सर्कुलर मोशन में हमने तीन केस डिस्कस किए। फर्स्ट डिस्कस किया मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, ओके। सेकंड डिस्कस किया मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड रोड, दोनों ही केसेस में हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया, जो सेकंड वाला था वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और थर्ड केस में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का केस डिस्कस किया कि साइक्लिस्ट कितने एंगल पे अपने आप को बेंड करता है ताकि वो सेफली सर्कुलर टर्न में चल सके, ठीक है। सो आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।